स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और टर्म्स, दैट इज 15th वन इज स्केलेटल सिस्टम। सो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है कि स्केलेटल या स्केलेटल इज द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू द बॉडी, which provides framework to the body. Skeleton मतलब जो body को framework provide करे, जो body को support करे, जो body को protect करे, जो भी सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम, या हम कह सकते हैं स्केलेटल, ठीक है, तरह से सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो स्केलेटल इज व्हाट? स्केलेटल इज द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू द बॉडी, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन स्केलेटल इज ऑफ टू टाइप्स, पोजीशन की बेसिस पे स्केलेटन दो तरह का होता है। एक होता है आपका एक्सोस्केलेटन, दूसरा होगा एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन है एंडोस्केलेटन, ठीक। एंडोस्केलेटन मींस इफ this structure which provides framework is inside the body, means the skeleton which provides framework inside the body, उसको हम कहते हैं endoskeleton। मतलब यहां पे here we includes bones, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट्स के केसेस में, बोनी फिशेस में। जहां स्केलेटन जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, विद इन द बॉडी प्रेजेंट हो, जैसे हम यहां पे एग्जांपल्स देते हैं बोन्स की, ठीक है, बोनी फिशेस वर्टिब्रेट्स के केस में, ठीक है। तो इस तरह के स्केलेटन को हम क्या कहते हैं? एंडो स्केलेटन, ठीक है। यहां पे क्या होता है एक्चुअली कि या हम ये कह सकते हैं कार्टिलेजियस फिशेस में भी जो है वो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो बॉनी फिशेस में बॉन्स प्रेजेंट होंगे, कार्टिलेजियस फिशेस में कार्टिलेज प्रेजेंट होंगे। ये बॉन्स और कार्टिलेजेस क्या है हमारे? दिस इज वन टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन, ठीक है। उसी तरह से एक्सोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो स्केलेटन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, हम ये कह सकते हैं कि इफ द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। यहां पे हम ये वर्टिब्रेट्स में हमें देखने को मिलता है एक्सोस्केलेटन, जैसे कुछ हॉर्न्स हो गए, आपके हूफ्स हो गए, जो भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है विच प्रोवाइड स्केलेटन, हॉर्न्स, हूफ्स, नेल्स हो गए, ठीक है। बर्ड्स के केस में अगर हम देखें तो फीदर्स हो गए, ठीक, या हम फिशेस के केस में देखें तो स्केल्स हो गए, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है हमारे? एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स विच इज सीन इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोड्स में जो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ काइटिन, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन स्केलेटन इज ऑफ टू टाइप्स, एक्सोस्केलेटन है एंडोस्केलेटन। सो नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे 16th वन इज रिप्रोडक्शन,
two types, asexual reproduction and your sexual reproduction. So, हम इन जो भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं उनको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है. ये सारी की सारी टर्म्स जो भी जैसे हम एसेक्सुअल या जैसे हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल में क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है. अभी हम जस्ट डेफिनेशन टाइप समझ रहे हैं, ठीक है. तो रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन इज प्योर. सो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे एसेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देखने को मिलती है, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ही रैपिडली देखने को मिलती है, ठीक है. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फालून टाइप्स, जैसे हम देखें तो फिशन से या बर्डिंग हम कह सकते हैं, या हमें यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलती है, या हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि यहाँ पे टू गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे मेल या फीमेल गैमेट्स सेपरेट होते हैं, यहाँ पे फ्यूजन होती है उनको गैमेट्स की, फर्टिलाइजेशन होती है, तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे बनते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, यहाँ पे जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो शो करते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म, ठीक है. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल्स एंड फीमेल्स दे आर सेपरेट, मतलब एक्सटर्नली इफ वी कैन रिकॉग्नाइज, एक्सटर्नली हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मेल है ये फीमेल है, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उनको सेपरेट बनाते हैं. जैसे हम मेल और फीमेल की बात करें ह्यूमंस के केस में, उसी तरह हम पीकॉक की बात करें, पीकॉक एंड पी हेन के बीच में, ठीक है. पीकॉक के पास कुछ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे पीकॉक की अगर हम बात करें तो उसमें पंख टाइप होते हैं एक्सटर्नल, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है. तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज व्हाट, मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेटेड, दे हैव मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ओके. दूसरा होता है यहां पे जो एनिमल्स होते हैं हर्माफ्रोडाइट, दूसरी टर्म है हर्मा, this is sexual dimorphism, this is hermaphrodite. Hermaphrodite का मतलब होता है when both the sexes are present with the same individual, मतलब जब male और female दोनों sex organs जो है वो present हो एक ही same animal में, ठीक है, उसको हम कहते हैं hermaphrodite या hermaphrodite animals, ठीक है. But in order to favor cross fertilization, these hermaphrodites again may show two adaptations or two changes that can be protoandrous or प्रोटोगाइंड्स. तो ये प्रोटेंड्रस होगा या हम कह सकते हैं प्रोटोगाइंड्स. प्रोटेंड्रस है प्रोटोगाइंड्स. प्रोटेंड्रस का मतलब होता है कि जब मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो पहले मैच्योर हो, तो मेल गैमेट इज फॉर्म फर्स्ट, हम ये कह सकते हैं कि मेल गैमेट मैच्योर्स फर्स्ट. यहां पे क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो पहले मैच्योर होता है, ठीक है. और यहां पे क्या होता है कि जैसे ही मतलब वेन जैसे ही मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे, ठीक है, वेन द मेल गैमेट्स आर फॉर्म इन द सेम एनिमल्स द एग्स आर नॉट रेडी, सो देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मेल गैमेट्स यहाँ पे पहले बनते हैं और यहाँ पे फीमेल गैमेट्स पहले बनते हैं, ठीक है. और जिन एनिमल्स में मेल गैमेट्स पहले बनेंगे उनमें क्या होगा कि उनमें जो एग्स होंगे वो मैच्योर नहीं होंगे अभी, तो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. और प्रोटोबायोस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फीमेल
गैमेट्स पहले बनेंगे, एग पहले रिलीज होगा, लेकिन जो स्पर्म्स होगा वो फुल्ली फॉर्म नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म्स जो है वो रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी, इसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। प्रोटेंडस वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है अर्थवॉर्म के केस में, या हम कह सकते हैं लीव्स के केस में, अर्थवॉर्म और लीव्स के केस, ठीक है। और प्रोटेंडस कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है हर्ड मैनिया के केस में। तो यहां पे हम एग्जांपल दे सकते हैं हर्ड मैनिया, या हम कह सकते हैं इसको सी स्क्विड, फॉर्मली हम इसको कहते हैं सी स्क्विड, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज 17th टर्म जो है आपकी वो है डिवेलपमेंट, 17th वन इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट इंक्लूड चेंजेस दैट एन ऑफ That an organism undergoes from its beginning to maturity. Development क्या है हमारे पास? These include changes that an organism undergoes from its beginning from its beginning to maturity, इसको कहते हैं development। तो starting से लेके beginning से लेके maturity तक, birth से लेके death तक की अगर बात करें, maturity तक की अगर बात करें, तो कौन कौन सी changes आती है एक human के बीच में, एक organism के बीच में, एक individual के बीच में, उसको हम कहते हैं development, ठीक है। development जो है इसको हम दो तरह से समझते हैं, या डेवलपमेंट दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट, दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होगी कि जब एग जो है वो डायरेक्टली डिवेलप करेगा, डायरेक्टली एग गेट्स डायरेक्टली डिवेलप्स इनटू यंग, ठीक है। मतलब तो कोई भी यहां पे हमें इंटरमीडिएट स्टेजेस देखने को नहीं मिलती है, नो इंटरमीडिएट स्टेजेस। मतलब डायरेक्टली क्या होता है, एग से जो है वो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं, यंग्स की फॉर्मेशन होती है, एग से सीधा यंग, ठीक है। यहां पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होती, देयर इज नो इंटरमीडिएट स्टेज इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। यहां पे हम एग्जांपल देते हैं हाइड्रा, अर्थफॉर्म ठीक है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि यहां पे इंटरमीडिएट स्टेजेस हमें देखने को मिलती है, जैसे एग से पहले लार्वा बनेगा, ठीक है, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, एंड प्यूपा से देन यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेजेस हमें देखने को मिलती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। एंड दिस यंग वन ग्रोज इनटू एडल्ट स्टेज, मतलब चेंज फ्रॉम एग टू यंग, ठीक है, तो कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये तो चेंज आ रही है हमारे पास, दिस चेंज फ्रॉम यंग वन, सॉरी, दिस चेंज फ्रॉम एग टू यंग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस ठीक है, जो भी चेंज आ रही है ना हमारे एग से लेके यंग तक, ठीक है, यंग बनने तक जो भी चेंजेस आ रही है उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस दो तरह का होता है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और दूसरा होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट, ठीक है।
तो डेवलपमेंट जो है वो दो तरह का होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जब एग से सीधा यंग बने जब कोई इंटरमीडिएट स्टेज हमें देखने को नहीं मिले उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसमें हम हाइड्रा और अल्फा की एग्जांपल्स लेते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जब हमें इंटरमीडिएट स्टेजेस देखने को मिलती है, मतलब जैसे एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से यंग एंड ठीक एंड फाइनली इट लीड्स टू द एडल्ट स्टेज। ठीक है, एंड द चेंज फ्रॉम एग टू यंग इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। एंड मेटामॉर्फोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो लास्ट टर्म हम लेते हैं, 18th वन इज टेम्परेचर। आपकी बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, लास्ट टर्म है बॉडी टेम्परेचर। सो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के एनिमल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। एक होते हैं हमारे होमियोथर्म्स। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे पीकिलियोथर्म्स। होमियोथर्म्स या पीकिलियोथर्म्स। होमियोथर्म्स को वार्म ब्लड भी कहा जाता है। ठीक है, होमियोथर्म ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। एनिमल्स आर टू टाइप्स, होमियोथर्म्स एंड पीकिलियोथर्म्स। होमियोथर्म्स आर आल्सो नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड पीकिलियोथर्म्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो होमियोथर्म्स का क्या मतलब हुआ? होमियोथर्म एनिमल्स या वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स हुए जो द एनिमल्स हूज बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट होता है एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, जिनका टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से चेंज नहीं होता, मतलब बाहर कैसा टेम्परेचर है उससे फर्क नहीं पड़ता है, इनका टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है। उसी तरह से अगर हम कोल्ड ब्लडेड की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर टेम्परेचर जो है वो द एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर वरीज विथ एटमॉस्फेयर। तो द एनिमल्स हूज बॉडी टेम्परेचर वरीज विथ एटमॉस्फेयर या कैपेसिटी विथ चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स या होमियोथर्म्स कौन से एनिमल्स हुए जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट हो रहता है और उनका जो टेम्परेचर होता है वो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से चेंज नहीं हो पाता। लेकिन पीकिलियोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स हुए हूज बॉडी टेम्परेचर वरीज विद चेंज इन एनवायरमेंट। जैसे ही बाहर टेम्परेचर चेंज होगा तो इनका टेम्परेचर भी जो है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होगा। ठीक है, तो होमियोथर्म्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स और मैमल्स जो हैं ये आपके होमियोथर्म्स होते हैं, और कुछ यहां पे अगर हम बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स आपके फिशेस होगी, एम्फीबियंस
काफी सारी फैमिलीज या फाइलम्स जो है ये बिलोंग करती है, ये जो होते हैं ये पीटीएस आदमी का ओल्ड ब्लड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, पिटियोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है जब एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाए, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत कम टेम्परेचर हो जाए, तो ये इस तरह से दो इवेंट्स परफॉर्म करते हैं। एक होता है एस्टिवेशन एंड दूसरा होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप, ठीक है, एंड एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो समर स्लीप पे जाएंगे या विंटर स्लीप पे जाएंगे। ठीक है, तो एस्टिवेशन हाइबरनेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे देखी जाती है फ्रॉग्स में या फ्रॉग एनिमल्स में, बहुत सारे रेप्टाइल्स में, स्टार फिश में, विंटर स्लीप हाइबरनेशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो विंटर स्लीप पे चले जाते हैं ज्यादा कोल्ड कंडीशंस होने की वजह से, और अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है, एक्सट्रीम कंडीशंस है, ठीक है, इनटॉलरेबल है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो कहां चले जाते हैं, एस्टिवेशन पे, समर स्लीप। ठीक है, इसमें मोस्टली हमें ये एस्टिवेशन फ्रॉग्स के केस में देखने को मिलती है। ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम एनिमल या, एंड उसके बाद हम हर एक फाइलम के कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।